तेरी आवाज ही तेरे होने का एहसास बनेगी, जब तक संगीत रहेगा तेरी साज बजेगी। न भूल पाएगा ये जमाना तुझे कभी, न तेरे गीतों के साए से बेजार होगा ये गुलशन कभी। जब भी नाम लिया जाएगा संगीत का, तेरे गीतों से ही गुलजार होगी हर महफिल और हर शाम भी। भारत की सबसे सुरीली आवाज अब खामोश हो गई है। स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। वे 92 साल की थीं और लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं। मुंबई के ब्रीच कैंड अस्पताल में उन्होंने 6 फरवरी 2022 को अंतिम सांस ली। वे नारी शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में याद की जाएंगी। देशभक्ति से लेकर हर तरह के गीतों से वे लोगों के होठों पर मुस्कान बिखेरती रहीं। स्वर सरस्वती लता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से अच्छी चिर परिचित थी। मुंबई के विलेपार्ले सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी बहन ने उनसे स्नेह मुलाकात कर उन्हें ईश्वरी संदेश दिया था। एक बार तो स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ब्रह्मा कुमारी में नैरोबी के निदेशक बीके वेदांती बहन से खुद मुलाकात करने गई थी। पुणे की बीके विद्या बहन और बीके सुनीता बहन ने कई बार लता जी से मुलाकात कर ईश्वरी संदेश दिया था। भेंट के दौरान बीके बहनों से मुलाकात में उन्होंने माउंट आबू आने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनके आने का संकल्प अधूरा रह गया। अहमदनगर के बीके डॉक्टर दीपक हरके ने भी लता जी से खास मुलाकात की थी। उनके देहावसान पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने गहरा शोक व्यक्त किया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से विशेष प्रार्थना की है। भारत रत्न लता जी के जाने से देश ने एक महान नारी को खो दिया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने शोक संदेश भेजकर संवेदना व्यक्त की है। ओम शांति। संगीत जगत के सम्राट भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन का समाचार सुनकर के हर एक भारत निवासी, संगीत जगत में जुड़े हुए सभी भाई बहने, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लाखों भाई बहने और भारत की नेता अभिनेता सबके दिल में बहुत आघात हुआ। ऐसी कोकिल कंठ का महारानी, एक विश्व प्रसिद्ध प्रभु प्रेमी, लोक प्रेमी, संगीत प्रेमी आदरणीय दीदी को हम लोग खोया। इसमें सारी संगीत जगत के लिए, सारे देश के लिए अपूर्व एक कमी महसूस करने कर रहे हैं। सदा शांति, अमन और प्रेम का वैचार्य का प्रेरणा स्रोत को खो गए, ऐसा दीदी को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग समेत समस्त ब्रह्मा कुमारीज परिवार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।